यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। गठबंधन के फॉर्मूले पर सरगर्मी तेज। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने कांग्रेस को दिया 88 सीटों का ऑफर। समाजवादी पार्टी यूपी में 403 में से 297 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 18 सीटें आरएलडी और जेडीयू के लिए छोड़ सकती है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक अमेठी को लेकर फंसा है कांग्रेस और एसपी में पेच। अमेठी रायबरेली की 10 सीट चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। कालाधन सफेद करने के मामले में पद्मभूषण से सम्मानित मुंबई के नामी डॉक्टर सुरेश अडवाणी के खिलाफ केस दर्ज। 10 करोड़ के पुराने नोट की हेराफेरी। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविदास मेहरोत्रा को कोर्ट ने करार दिया भगोड़ा। 2002 में सड़क जाम करने का था आरोप। बार बार समन के बावजूद अदालत में नहीं पेश होने पर भगोड़ा करार। दिल्ली की अदालत से सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। 2013 के विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर गलत जानकारी देने का था मामला। आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजघाट पर चंदा बंद आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने लिखा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र, कहा काम में दिखे पारदर्शिता। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के बीच हालात में सुधार। प्रशासन ने 11 घंटे के लिए दी कर्फ्यू में ढील। सेना प्रमुख भी मणिपुर दौरे पर। दो दिन के लेह दौरे पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती विकास कार्यों का लेंगी जायजा। नलगोंडा पुलिस ने पुराने नोट बदलने के रैकेट का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। लाखों के नए नोट जब्त। हैदराबाद में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मांगी थी 25,000 की घूस। हैदराबाद में टीचर ने काम ना पूरा करने पर डंडे से की छात्रों की पिटाई। मामला सामने आने पर स्कूल ने आरोपी टीचर को किया सस्पेंड। तमिलनाडु के वेल्लोर में 2 लोगों ने एक महिला कांस्टेबल पर फेंका एसिड। महिला थाने में ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी कांस्टेबल। अलवर के धमरेड गांव में बुजुर्ग की पत्थरों से कुचलकर हत्या। गड्ढा खोदने को लेकर था विवाद। 3 महिलाएं गिरफ्तार। इंदौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कटनी रेलवे स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों से की हाथापाई। शिप्रा एक्सप्रेस से इंदौर जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ता ट्रेन में कर रहे थे नारेबाजी। यात्रियों की असुविधा पर जब पुलिस ने रोका तो हंगामे पर हुए उतारे। कटनी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हंगामा कर रहे बीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंटीन का सामान बाहर फेंका। हंगामे के चलते 1 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। सीकर के रिंग्स में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र की हत्या। अज्ञात शख्स ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रक शराब बरामद। पुलिस ने स्विफ्ट कार को भी किया जब्त। 8 आरोपी गिरफ्तार। पलवल में 8 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या। 3 दिन से थी लापता। पड़ोसी के घर के बेड में मिला शव। आरोपी फरार। बिहार के किशनगंज में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण छात्रावास के छात्रों की स्थानीय युवकों से झड़प। जमकर हुई पत्थरबाजी। 2013 में एसिड अटैक से हुई हरप्रीत की मौत पर लुधियाना कोर्ट ने 2 आरोपियों की 25 साल की सजा सुनाई। 4 आरोपियों पर 9,07,000 का जुर्माना। गढ़चिरौली नक्सलियों का टूटा कहर। 40 ट्रकों को आग के हवाले किया। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में लेजेंड ऑफ इंडिया द्वारा सालाना संगीत महोत्सव का आयोजन। मशहूर तबला वादक पंडित शंकर घोष को दी गई श्रद्धांजलि। सीरिया के अलेप्पो में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। आईएस आतंकियों के कब्जे से आजादी का दिखा उत्साह। अलेप्पो में सीरिया के झंडे के साथ लोगों ने राष्ट्रपति बशर अल असर और सीरियाई सेना के समर्थन में लगाए नारे। क्रिसमस से पहले पेरू के लीमा में 2 टन पटाखे जब्त। पुलिस ने किया नष्ट। क्रिसमस का काउंटडाउन शुरू। दुनिया भर के बच्चों को गिफ्ट बांटने निकले सांता क्लॉज। फिनलैंड में अपने घर रोवनाइमी में सांता क्लॉज ने शुरू की यात्रा। भारी संख्या में जुटे लोग। आसमान भी में भी छाई रंगत।